राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाखों लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हुई प्री मॉनसून की बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं ज्यादातर राज्यों में मॉनसून आ चुका है और राजधानी में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो जल्द ही दिल्ली वासियों को मॉनसून की सौगात मिलने वाली है। संभावना जताई जा रही है कि 27 जून के आसपास मॉनसून राजधानी में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद कई दिनों तक तेज बारिश होगी। ऐसे में अब सिर्फ 4 दिनों का इंतजार और है। वहीं IMD के अनुसार मॉनसून आमतौर पर 27 से 29 जून के आसपास दिल्ली से टकराता है। हाल ही में IMD के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सामान्य मॉनसून से के करीब रहने की संभावना है। पिछले साल दिल्ली में सबसे देरी से मॉनसून आया था। जून महीने के आखिरी में आने वाला मॉनसून पिछले साल 13 जुलाई से शुरू हुआ था। ये 19 सालों में सबसे देरी से आने वाला मॉनसून था। इस बार का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था। ऐसे में दिल्लीवासी बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। उधर पिछले दिनों राजधानी में प्री मॉनसून की बारिश देखी गई थी, हालांकि उसके बाद बारिश नहीं हुई और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। आज से मौसम में कुछ बदलाव आने की संभावना है। दिन के समय तेज हवाएं चलेगी, वहीं बारिश होने की उम्मीद नहीं है। 25 जून को अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है और ये 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।